नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डर। डर क्या है? फियर। मार्केट का सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो फियर होता है। ट्रैपिंग, आगे कई एस्पेक्ट हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन ट्रैपिंग जो होता है, डर होता है, डर बचपन से होता है। बच्चा चल रहा है, गिर जाएगा, डर लगता है उसको। एग्जाम में पढ़ाई करता है, वो डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें डर लगता है कि हम गिर ना जाए। जब हम बड़े होते हैं तो हमें डर लगता है कि हम कोई ऐसा गलत। लेकिन डर का सबसे सटीक उदाहरण मैं अगर दूं तो ये डर कहीं बाहर में नहीं, डर हमारे मन में ही है। और उसके लिए हमें ही अपने आप को उस डर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि डर कहीं मिलता नहीं है, डर को कोई खरीद नहीं सकता है, ठीक है ना। तो डरने की, डर को डराना है। डर से क्यों डरना है? हमें नहीं डरना है, क्योंकि शेयर बाजार हो या लाइफ का, जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो डर एक जरूरी भी है, क्योंकि डर से हमें और मेहनत करने के लिए, अपने आप को प्रोत्साहन करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। अगर हम डरते रहें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? आपने सुना होगा डर के आगे जीत है। लेकिन अगर हमारी प्रिपरेशन अगर सही है, अगर हमारा तैयारी सही है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी खेल कूद हो, दुनिया का कोई भी काम हो, हम नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि हमारा प्रिपरेशन है। अगर मान लीजिए हम कोई चैप्टर से पढ़ते हैं, उसी चैप्टर से आना है, कोई क्वेश्चंस हमारी तैयारी है, तो हम क्यों डरे? कहीं से भी पूछ लो भाई। अगर आप हमें किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, शेयर बाजार हो या खेती बाड़ी हो या गाड़ी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, आज हम लोग शेयर बाजार के ही बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारा नॉलेज नहीं होता, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन सही के लिए हमारे अंदर से आवाज आना चाहिए कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही है। कई बार आपने सुना होगा कि अगर जीवन में कोई गलती से भी गलत डिसीजन ले लिया तो आप उसको साबित कर दो कि वो डिसीजन आपके लिए बिल्कुल सही है। इसके मैं एक दो एग्जांपल भी दे देना चाहता हूँ। जिस तरह से रतन टाटा जी ने भारत में एक कंपनी खड़ा की थी, अपने चाहते थे कि वो भारत के लिए कार डेवलप करें, उन्होंने टाटा इंडिका स्टार्ट किया। काफी चलने के बाद में उन्हें लगा कि ये बिजनेस चल नहीं पा रहा है, तब उन्होंने फोर्ड के साथ में डिस्कस किया और फोर्ड ने बोला कि देखिए ये कंपनी खरीद के हम आपके ऊपर एहसान करने वाले हैं। 1988 की बात है। उसी समय रतन टाटा जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मीटिंग छोड़ के चले गए। और ठीक 10 साल के बाद वही जागवार, वही वैगनार, उनकी जो कंपनी है फोर्ड की, अब वो नहीं चल रही थी। तब मुंबई हाउस में रतन टाटा जी ने मीटिंग रखा और तब उस समय के फोर्ड ने बताया कि सर रतन जी, आपने ये जो कंपनी हमारे खरीद रहे हैं, आप हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान कर रहे हैं। उस समय मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन डरे नहीं, वो अपने मेहनत को और आगे किए, करते गए। लेकिन हमें भी, जब तक हमारा नॉलेज सही है, जब तक आपका विश्वास सही है, तब तक आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब डरना, नॉलेज कहां से आएगा? नॉलेज हम और आप मिलकर सीखेंगे, क्योंकि मार्केट से बड़ा गुरु कुछ नहीं है। मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है। आपको पेशेंस सिखाता है, आपको लर्निंग सिखाता है, आपको सब करना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो समय के साथ आपको सिखाता ही रहेगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आपको अकेला चलना है, अगर आपको सिर्फ आपको जीतना है तो आप दौड़ के चले जाइए। लेकिन अगर आपको पूरा टीम के साथ लेके चलना है, पूरा टीम को जिताना है, सबके साथ चलना है, तो सबका हाथ पकड़ के सबका साथ जरूरत होता है उस समय। जैसा कि आप जानते हैं, अच्छे काम के लिए अच्छा काम आप कीजिए और ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छे काम करने वाला का कभी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, कई ऐसे चीजें हैं, रामायण हो, महाभारत हो, या जीवन के कई ऐसे लक्ष्य हैं, जब तक आपका टीचर, जब तक आपका गुरु, जब तक आपका सिखाने वाला आपके साथ है, समझिए कि आपकी जीत पक्की है।
जीवन की किसी भी मोड़ पे, या छोटा बच्चा हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, ड्राइविंग स्कूल्स हो, या फिर लाइफ में कुछ बॉस हो, हमेशा आपके भले के लिए, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए, हमेशा उसके फ्यूचर को देखते हुए वो काम करना चाहते हैं। माँ बाप हो, हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा से अच्छा कर सके, इसीलिए बच्चों को डराते नहीं है, बच्चों को गाइड करते हैं। तो इसी तरह से मार्केट में कई ऐसे चीज हैं जो हमेशा डराने का काम करता है। कई बार आप शेयर खरीदेंगे, वो शेयर दब से गिर जाएगा, उस समय हमें डर लगता है कि अरे अरे कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आपकी अगर कोशिश, अगर आपका नॉलेज सही है, तो आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कि आप जानते हैं, TCS है, इंफोसिस है, HDFC बैंक है, ITC है, SBI है, बड़े बड़े दिग्गज के साथ में रहिए, आपको कभी डर नहीं लगेगा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए 5% 10% 20% का करेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस समय करेक्शन में आपको खरीदना है, डर के मार्केट से नहीं जाना है। क्योंकि अगर कोई भी आप सपना देखते हैं, कोई भी आप ड्रीम देखते हैं, तो एक दिन में पूरा नहीं होता है। आप चाहते हैं कि एक दिन में आज हम पैसा लगावें और कल एक करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होता है। 1000 रुपए लगाया, कल के डेट में एक 1000 करोड़ हो जाए, नहीं। अगर वो झुंझुनू वाला हो, या रामदेव अग्रवाल हो, या रामकृष्ण दमानी हो, या वॉरेन बफेट हो, उन्होंने एक दिन में पैसा नहीं कमाया है। उन्होंने कोशिश किया है, अपने नॉलेज को इन्हांस किया और धीरे 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 वो पैसा कमाया है। और ये पैसा, या अमिताभ बच्चन हो, विराट कोहली हो, धोनी हो, कोई भी खेल हो, नीरज चोपड़ा हो, कोई भी एक दिन में चैंपियन नहीं बनता है, डेली। हाँ, पहली बार उन्हें भी डर लगा था, डर के वो मैदान छोड़ के नहीं चले गए, उन्होंने और कोशिश की और प्रैक्टिस किया, और तभी जा करके वो निखरे हैं। जैसा कि फेल आपने सुना है, भारत के राष्ट्रपति, सबसे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग। सो हमें इस बात को ध्यान रखना है, और हमें लर्निंग जारी रखना है, और हमें डर को डराना है, डर से मैदान नहीं छोड़ना है। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। इसके आगे चल के हम लोग और इस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।